दोस्तों आज बात करेंगे जयपुर के आमेर किले की। आमेर का किला जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आमेर जयपुर नगर सीमा में ही स्थित उपनगर है। आमेर को मीणा राजा आलन सिंह ने बचाया था 1967 ईस्वी से लेकर लगभग 1037 ईस्वी तक इनका यहाँ पर राज रहा। इसके बाद राजपूत राजाओं ने आमेर को जीत लिया और उसके बाद आमेर कसवाहा राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जयपुर बनने के बाद जयपुर उनकी राजधानी बन गया। बलुआ पत्थरों से बने आमेर के किले का निर्माण 1558 में राजा भारबल ने शुरू करवाया था। निर्माण प्रक्रिया के बाद में राजा मानसिंह और राजा जयसिंह के समय भी जारी रही। करीब 100 वर्षों के अंतराल बाद राजा स्वाई जयसिंह के काल में ये किला बनकर पूरा हुआ। उसी दौर में कसवाहा राजपूत और मुगलों के बीच में अच्छे संबंध थे। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए और उनके सेनापति भी बने। कसवाहा राजपूतों की राजधानी जयपुर बनने के बाद आमेर का वैभव लगभग लुप्त होने लगा था, लेकिन ये गौरवशाली किला आज भी उसी शान से खड़ा है। पर्यटक आमेर के ऊंचे मेहराबाद पूरी द्वार में प्रवेश करते हैं। ये द्वार सूरज पोल कहलाता है। इसके सामने एक बड़ा सा चौक स्थित है, इसे जलेब चौक कहते हैं। आमेर फोर्ट पहाड़ी के ढलान पर विभिन्न सोपानों से बना हुआ है। जलेब चौक इनमें सबसे निचले चौपान पर स्थित है। विशाल चौक के तीनों ओर कुछ कमरे बने हुए हैं। बताते हैं कि उस समय यहाँ सैन्य आवास और घुड़साल आदि हुआ करते थे। आज इनमें हैंडीक्राफ्ट और कुछ दुकानें खुली हुई है। आमेर घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता था। घाटी में प्रवेश करते ही दूर से विशाल किले की प्राचीर, उसके गुम्बद, ब्रज और प्रवेश द्वार नजर आने लगते थे। जिस पहाड़ी पर आमेर का किला बना हुआ है उसके सामने एक सुंदर झील है जिसे मावठा सरोवर कहते हैं। किले में घुसते ही 20 खंभों का राजपूत भवन शैली सफ़ेद संगमर का लाल पत्थर का दीवाने आम बना हुआ है। रानियों के लिए अनेक निजी कक्ष भी निर्मित है। आमेर किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और जय मंदिर और सुखनिवास बने हुए हैं, जहां हमेशा ठंडी और प्राकृतिक हवाएं चलती हैं। इस किले के चारों तरफ मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं और किला काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए इसे पहुंचने के लिए काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। आमेर किले और जयगढ़ किले के बीच में गुप्त रास्ता बना हुआ है। ये युद्ध के समय में इस मार्ग का उपयोग किया जाता था शाही परिवार के सदस्यों को बाहर निकालने के लिए। किले के नीचे बहुत सारे हाथी उपलब्ध है, वहाँ से आप किले तक की हाथियों की सवारी कर सकते हैं। हाथी की सवारी विशेष आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर। 2013 में इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।